चतरा में आसू जिला इकाई ने मंगलवार को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर धरना प्रदर्शन किया। आसू जिला अध्यक्ष पारसनाथ सिंह के नेतृत्व में विकास भवन के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। आसू के सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज चंद्रा ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष विश्वासघात में ही गुजर गया, जबकि 2 वर्ष में झारखंड बेहाल और बिचौलिए मालामाल हो गए। सरकार ने कहा था कि सरकार बनते ही पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के साथ साथ पंचायत सेवक एवं ANM, शिक्षिका, होमगार्ड जैसे सभी रिक्तियों को तत्काल भर देंगे। यहां तक कि प्राथमिक से लेकर PhD तक सभी प्रकार की शिक्षा लड़कियों को निःशुल्क दी जाएगी। सरकार ने OBC को 27% आरक्षण देने, भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीनों को भूखंड उपलब्ध कराने, हर शहीद परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने, झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों और आंदोलनकारियों के लिए विशेष पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य घोषणाएं की थी। सरकार ने यहां तक घोषणा की थी कि 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। झारखंड के 40,000 अधिवक्ताओं के हित की रक्षा के लिए झारखंड अधिनियम लाया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष में एक भी घोषणा पर सरकार ने अमल नहीं किया। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और झारखंड में सरकार बनने से पूर्व जब आदरणीय मुख्यमंत्री जब चुनावी वर्ष में थे तो उन्होंने झारखंडी जनता से यह वादा किया था कि झारखंड में सरकार बनते ही झारखंड का सारा दुख दर्द सब हरण कर लिया जाएगा, हर लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं, हम लोग तमाम झारखंडी लोग देख रहे हैं कि झारखंड सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद भी झारखंड में तमाम जो है समस्याएँ, तमाम परेशानियाँ विद्यमान हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि झारखंड बनने के साथ ही पहले कैबिनेट में ही 3 महीने के अंदर ही हम लोग जो है सो पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरी जो है सो 1 साल में 5 लाख लोगों को देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, स्थानीय लोगों को जो है सो नियोजन नीति बनाएंगे, किसानों का कर्जा माफी करेंगे, तमाम जो वादे उनको कर रहे थे उन्होंने किया। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज जो है सो उनका एक भी वादा जो है सो झारखंडी जनता ने नहीं देख पाया। आज हम लोग उसी के खिलाफ में, उसी के विरोध में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उस विश्वासघात के दिवस के रूप में हम लोग आसू पार्टी के लोग मना रहे हैं। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। We have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for you know studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives. And I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.